चाहे तुम बिजनेस में हो, चाहे तुम पढ़ाई कर रहे हो, चाहे तुम किसी आर्ट में हो, चाहे तुम कोई डांस सीख रहे हो, सिंगिंग सीख रहे हो, किसी भी प्रोफेशन में अगर तुम आगे जा रहे हो, जैसे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर कहीं भी जिंदगी में कहीं भी जब तुम आगे जा रहे होते हो, तो खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करके देखना बड़ा ज़रूरी है। अगर तुम ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करना सीखो। अगर तुम खुद को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करोगे, तो तुम्हें नहीं पता चलेगा कि तुम कहाँ खड़े हो। आजकल क्या हो रहा है, ज़्यादातर लोग आपको क्या सलाह देते हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो किताबें लिखते हैं, वो किताबों से पढ़कर आपको क्या कहते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो किताबें होती हैं, जो मोटिवेशन पर लिखी गई होती हैं, लीडरशिप पर लिखी गई होती हैं, वो उन किताबों में से पढ़कर आपको बोलते हैं कि खुद को दूसरों के साथ कंपेयर मत करो। ये एक मोटिवेशनल लाइन है और ये लाइन अच्छी लगती है हर इंसान को, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, क्योंकि कोई भी इंसान खुद को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहता। इसलिए करना नहीं चाहता क्योंकि वो मेहनत नहीं करना चाहता। जब आपको कोई कहता है कि खुद को दूसरों के साथ कंपेयर मत करो, तुम दूसरों से अलग हो, दूसरे तुमसे अलग हैं, तो तुम्हारे अंदर जो क्रिएटिविटी होती है उसका दम घुट जाता है, वो मरने लगती है, वो खत्म होने लगती है, तुम कुछ नया सोचना बंद कर देते हो। जब तुम ये सोचते हो कि तुम्हें दूसरों की परवाह नहीं करनी है, तुम्हें खुद को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है, तो तुम्हारे अंदर की क्रिएटिविटी भी खत्म होती है और तुम कुछ नया भी सोच नहीं पाते और कोई नया विचार तुम्हारे दिमाग में जन्म नहीं लेता। तो जो लोग तुम्हें ये सिखाते हैं कि खुद को दूसरों के साथ कंपेयर मत करो, दूसरों की तरफ ध्यान मत दो, या फिर दूसरे अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करें, तुम्हें क्या लेना देना। चलो ठीक है, ये बात सही है कि दूसरे अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करें, तुम्हें क्या लेना देना, लेकिन अगर कंपटीशन नहीं होगा कहीं भी, अगर कंपटीशन नहीं होगा तो फिर तुम आगे कैसे बढ़ोगे। जैसे तुम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और तुम्हें पता है कि तुम्हारे कंपटीशन में कोई नहीं है, तो तुम उस चीज़ की तैयारी करनी ही बंद कर दोगे। कंपटीशन एक ऐसी चीज़ है जिसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। हर इंसान को, जो भी किसी भी क्षेत्र में आप कामयाब होना चाहते हैं, तो हमेशा कंपटीशन की तरफ ध्यान दो। जानबूझकर कंपटीशन की तरफ जाओ। अगर तुम्हारे आसपास कंपटीशन नहीं है तो कंपटीशन को पैदा करो, क्योंकि कंपटीशन ही आपको आगे लेकर जाएगा। एक चीज़ आपने कभी गौर शायद नहीं की होगी, जो लोग कामयाब हैं, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बन चुके हैं, बहुत बड़ी भीड़ के सामने बोलते हैं, वो आपको कहते हैं कि खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करना बंद करो। मतलब एक इंसान तो बहुत ऊंचाई पर खड़ा है और बहुत ऊंचाई पर खड़ा होकर बहुत कामयाब होने के बाद आपको कह रहा है कि खुद को दूसरों के साथ कंपेयर मत करो, और आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आप उसके नीचे स्टैंड कर रहे हो। आप अभी फॉलोअर हो और आप फॉलोअर बनकर उसको सुन रहे हो, एज ए फॉलोअर आप उसको सुन रहे हो और वो आपको कह रहा है कि खुद को दूसरों के साथ कंपेयर मत करो। तो सोचो, अगर तुम खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करोगे ही नहीं, तो तुम वहाँ कैसे पहुँचोगे जिस जगह पर वो इंसान खड़ा है जो आपको ये कह रहा है कि खुद को दूसरों के साथ कंपेयर मत करो। कुछ मामलों में चलो ये बात सही भी हो सकती है, ये आइडिया सही भी हो सकता है कि दूसरों के साथ कंपेयर मत करो, लेकिन अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, आप कहीं पहुंचना चाहते हैं, आप किसी टारगेट के पीछे हैं, आप अपना एक टारगेट को पाना चाहते हैं, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसको क्लियर करना चाहते हैं, आप कोई आर्टिस्ट बन रहे हैं, रियाज कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, डांसिंग में हैं, सिंगिंग में हैं, या फिर कहीं भी हैं, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करो। कंपेयर करने से ही आपको पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आप कौन सी गलतियाँ कर रहे हैं और किन चीज़ों से आपको और आगे आप जा सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। जो लोग किसी को अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं, किसी को अपना एक स्टार आइकॉन मानते हैं, किसी को देखकर चलते हैं, ये सोचते हैं कि वो इंसान मेरी इंस्पिरेशन है, उससे मैं सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो वो भी एक तरह की क्या होती है, एक तरह का कंपटीशन ही होता है, वो भी एक तरह का कंपैरिजन ही होता है। लेकिन इंस्पिरेशन बहुत ऊंची चीज़ होती है। अगर आप किसी से इंस्पायर भी हो रहे हो, वो भी अच्छी चीज़ है,
लेकिन ये जो विचार आप किसी से सुनते हो या खुद पढ़ते हो कि खुद को दूसरों के साथ कंपेयर मत करो, तो ये विचार ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये विचार आपको थोड़े टाइम तक अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बहुत मन भावना है, लुभावना है, इससे आपको मेहनत ना करने का ख्याल आता है। लेकिन जैसे जैसे आप ज़िंदगी में आगे जाएंगे, तो ऑटोमेटिक ये जो कंपटीशन होता है, कंपैरिजन है होता है, खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करना होता है, ये अपने आप आपकी ज़िंदगी में, आपके दिमाग में ये चीज़ पैदा होगी। तब शायद आपको ज़रूरत पड़े इस बात की कि खुद को दूसरों के साथ कंपेयर मत करो। लेकिन जब आप शुरुआती दौर में हैं, अभी आप कामयाब हो रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो हमेशा खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करो। जो बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, वो खुद को दूसरे पेरेंट्स के साथ कंपेयर करके देखते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स आज कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ, और उनके कंपैरिजन के कारण ही वो आपको डांटते रहते हैं, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं कि उनका लड़का कहाँ पहुँच गया, तुम कहाँ रह गए, उनकी लड़की कहाँ पहुँच गई, तुम कहाँ रह गए। लेकिन बच्चों ने वो की बातें सुनी होती हैं कि खुद को दूसरों के साथ कंपेयर मत करो, तो वो कंपेयर करते भी नहीं हैं और वो पसंद भी नहीं करते कि उनके पेरेंट्स उनको किसी और के साथ कंपेयर करें। लेकिन अगर आप इस चीज़ को डीपली देखें, साइकोलॉजिकली देखें, तो खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करना आपको असल में पीछे नहीं लेकर जा रहा होता, आपको और कोशिश और मेहनत, कुछ और नया करने की प्रेरणा दे रहा होता है। तो आगे से जब भी आपको कोई कहे कि खुद को दूसरों के साथ कंपेयर मत करो या नहीं करना चाहिए, तो उसी इंसान को कहो कि खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करना बड़ा ज़रूरी है अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, और ये कामयाबी का सूत्र है। खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करना सीखो अगर तुम किसी भी प्रोफेशन में आगे जाना चाहते हो तो।